अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जब चिड़िया का आवाज़ सुनता है तो कितना अच्छा लगता है। ये कोई खास चिड़िया नहीं है, स्पैरो है, घर का चिड़िया। हम लोग का पासीघाट में अभी आप स्पैरो को छोड़ के दूसरा चिड़िया का आवाज़ सुनना मुश्किल है। यहाँ में पूरा हम लोग का ट्राइबल है ना, मार मार के सबको खा दिया, स्पैरो ही बचाया अभी। हाँ, अगर आप लक होने से, लक्की होने से आपको दूसरा चिड़िया का आवाज़ भी सुनाई मिलेगा, नहीं तो मुश्किल है। देखो दोस्तों, वॉक जाने से हमेशा अलर्ट रहना है। ये देखिए, ये कहाँ का, ये गली का कुत्ता लोग है, पूरा नोचने वाला था हमको तोड़ा के लिए। बाल बाल बस गया, देखो कितना खतरनाक लग रहा है देख के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज वॉक करते करते फॉरेस्ट तरफ आ गया है, तो एक जगह से भी कितना जाते रहेगा, बोरिंग लगता है। तो फॉरेस्ट तरफ आया है, कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ यही गड़बड़ है कि एकदम वेदर क्लियर नहीं है, बारिश देने का बहुत चांस है। तो जल्दी जल्दी जा लेगा, उसका बाद वापस जाएगा। तो ये अपना फॉरेस्ट तरफ है, अगर मौसम क्लियर रहने से बहुत सुंदर देखना था, मौसम ठीक ठाक नहीं है। ये देखिए, कितना अच्छा लगता है, एकदम सुनसान। वॉक जाने से ऐसा जगह में जाना है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये देखिए ग्रीन ग्रास, ये मिट्टी है दोस्तों। तो अब वॉक करने से भी मेन रोड में जो पूरा आप वॉक करेगा तो आपका घुटना दर्द होगा, घुटना दर्द होने का चांस है। लेकिन अब मिट्टी बालू, थोड़ा बालू बालू वाला एरिया और मिट्टी वाला जगह में रनिंग करने से आपको घुटने में भी इतने इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम ये चॉइस किए इधर में आज इधर जाएगा बोल के। फिर भी वॉक करने का एक जगह में जाते रहने से भी बोरिंग होता है, बदल बदल के जाना है जगह जगह में। तो हम भी इस तरह पांच टाइम आए, देखते हैं कहाँ तक ले जाता है ये रोड, कहाँ तक पहुँचाता है, सियांग तक पहुँचाएगा लगता है ये भी, देखा जाएगा। फिर हल्का हल्का बारिश के बूंदे टपक रहा है, बारिश गिरेगा पौड़न फटाफट चला जाना पड़ेगा। वाह, ये कहाँ आ गया देखिए तो, छोटा छोटा हट्स कितना है, चार तो बना है पक्का, इसमें कुछ पार्टी उर्टी होता होगा ये जगह में समय में, लेकिन मज़ा आ रहा है सच में, बहुत सुंदर है। तो और उधर में सियांग रिवर, सियांग रिवर के किनारे में ये बनाया है, बोल मजे से बनाया रे। ये आ गया द माइटी सियांग रिवर, और इस वक्त हम लोग है इधर सियांग रिवर के किनारे में। देखिए फर्स्ट टाइम आया हम भी इधर, लेकिन सच में ग्राउंड तो मज़ा है, कुछ ना कुछ तो यह होता ही है, पार्टी उर्टी ये सब कुछ उसी के लिए बनाया है, रिसोर्ट जैसा कुछ। अब यहाँ में चार्ज लेता होगा कुछ प्रोग्राम होने के लिए, यहाँ में मालिक बैठता होगा। फिलहाल अभी तो ऐसा कुल्लम कुल्ला है, इतना रेस्ट्रिक्शन अभी नहीं होता होगा, लेकिन जब दिसंबर का समय आ जाएगा, पिकनिक सीजन जब आ जाएगा तब तो ये पूरा रिजर्व हो जाता होगा ऐसा लगता है। देखिए मेरा पीछे में वो देखिए छोटा छोटा हाथ, आज भी देखिए दोस्तों पूरा बारिश डिस्टर्ब कर दिया हो, पूरा बारिश आ गया, देखिए देख रहा होगा। अभी जो छोटा छोटा हाथ नदी किनारे में बनाया था उसी में थोड़ा रुक रहा है, बारिश को थोड़ा ठीक हो जाने दो, लेकिन थोड़ा चांसेस कम नज़र आ रहा है वो। पूरा नीचे में देखिए तो जोरदार बारिश हो रहा है उधर, मेरा घर यहाँ से
कम से कम अभी 3 किलोमीटर तो है, 3 किलोमीटर तो दौड़ दौड़ के जाने से तो और पूरा भीग जाएगा। थोड़ा सा रुक लेता, जैसे ही थोड़ा थाम जाएगा बारिश फौरन चला जाएगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी थोड़ा सा हल्का हल्का गिर रहा है, तो अभी जो भी हो कल का जैसा हो जाएगा। कल भी हमको ऐसे हुआ है, थोड़ा से और थाम जाने दो बोल के इंतजार किया, तो बाद में तो पूरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे बारिश, दुमा दुम, इसलिए आज चोर जाएगा। तो दोस्तों अभी बढ़िया ब्लॉग सब लोग देखा तो नहीं पा रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर भी जैसे भी हो फुल सपोर्ट करिएगा। तो अभी मैं भी जाता हूँ फटाफट, नहीं तो बारिश से पूरा भीग जाएगा। तो आप लोग का बहुत जल्द मुलाकात करूँगा नए ब्लॉग्स के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग भी एकदम फिट और हेल्दी रहिए दोस्तों। हेल्थ इज वेल्थ, आप जितना भी धनी हो जितना भी पैसा हो, आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए धनी हो चाहे गरीब हो, हेल्थ आपका पिटपट रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो होगा दोस्तों, बहुत जल्द मुलाकात करता हूँ नए ब्लॉग्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।